बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ वसीम और आप लोग देख रहे हैं सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल। जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है वो अपने रियाद बैंक में किस तरीके से जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है वो बना सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके लिए आपको किसी भी बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से जो है वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाकर उससे जो है आप लोग जो है वो सेफ़ तरीके से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त डरते हैं कि अगर हमने ऑनलाइन वगैरह जो है वो शॉपिंग वगैरह अपने कार्ड से की, जो बैंक से उनको क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो उससे जो है वो हैक होने का उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डर होता है। तो अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है वो किस तरीके से एक वर्चुअल कार्ड अपने रियाद बैंक के अकाउंट में से आप जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार में हम जो है वो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ये रियाद बैंक का होम पेज है, होम पेज से हम जो है इसके साथ ही अकाउंट एंड कार्ड में जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे ये अकाउंट आवर व्यू, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड की हमें ज़रूरत थी, इसको जो है वो हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट वर्चुअल कार्ड के, मतलब यहाँ से हम जो है ये वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पे कार्ड जैसे जब हमारा बन जाएगा उसके बाद हम जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तो इसका जो नंबर होगा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का और जो नंबर हमारे बैंक से कार्ड मिला हुआ है, दोनों का डिफरेंट होगा। कि मतलब कि हम जो भी शॉपिंग वगैरह के लिए इसको जो है वो इंटर करेंगे तो ये नंबर हमारा हैक वगैरह नहीं हो सकता। तो अब मैं इसको जो है वो क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो पता चल जाए। अब मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, इसको जो है वो मैंने क्लिक करके जो है वो क्रिएट वर्चुअल कार्ड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे मोबाइल पे जो है वो चार हिंसे का OTP आपको जो है वो रिसीव होगा। वो जैसे ही आप लोगों को रिसीव हो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है, तो आपका जो है ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है ये क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे जो है ये OTP रिसीव हो चुका है और मैंने यहाँ पे सिंपल लिख के जो है इसको सबमिट किया। जैसे ही प्यारे दोस्तों मैंने इसको जो है वो सबमिट किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली क्रिएट योर वर्चुअल कार्ड, टू एक्टिवेट योर कार्ड प्लीज़ कॉल 9200024700। यहाँ पे आप लोग जो है वो क्लिक, अगर आपका कार्ड एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे आप जो है वो कॉल करके वहाँ से एक्टिव करवा सकते हैं। ये रियाद बैंक की जो है वो हेल्पलाइन है। अब मैं व्यूज़ कार्ड को जो है वो मैंने क्लिक किया, अब मैं देखता हूँ कि मेरा कार्ड जो है वो बन चुका है कि नहीं। जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले मेरा ऊपर जो कार्ड था उसका आखिर में नंबर जो है वो 1099 है। अब जो नया जो मैंने वर्चुअल कार्ड बनाया है इसका जो नंबर है वो 7786 है। इसमें हम जो है वो चार वर्चुअल कार्ड जो है हम बना सकते हैं। हमारे पास जो है वो ऑप्शन होती है जिनके पास ये हमारा नॉर्मल अकाउंट जो है हम ओपन करते हैं। एक तो बिजनेस अकाउंट होता है ना रियाद बैंक में, उसमें हो सकता है ज़्यादा ऑप्शन हो, तो इसमें हम जो है वो चार तक बना सकते हैं। अब जो है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग जो है ये वर्चुअल कार्ड में पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र करके आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस के लिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।